नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती को लेकर। 2016 में जो विज्ञापन जारी किया गया था उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। और इसमें जितने भी लोग अप्लाई किए थे उन सबको बोला गया है कि भाई अपना डॉक्यूमेंट्स को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजे, स्पीड पोस्ट करके सारे डॉक्यूमेंट्स को भेजे। इसके लिए बाकायदा एक नोटिस निकालकर सारी इंफॉर्मेशन दिया गया है, कैसे आपको करना है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं पूरे डिटेल्स में। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन को मैं बता देता हूं कि नोटिफिकेशन क्या है। 5 अक्टूबर 2023 को आया गया था। कहां से आया है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से, ठीक है। और इसमें जो बातें लिखी गई है उसको ध्यान सुन लीजिए ध्यान से। 2016 के आसपास की बात है, ठीक है ना। कब की बात है? 2016 की बात है, ठीक है। 2016 में 293 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी व्यवसाय अनुदेशक का, ठीक है। अब इसके लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें था कि भाई मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा और कुछ नंबर इंटरव्यू में आपको दिए जाएंगे, इंटरव्यू के नंबर को ऐड करके मेरिट पे सिलेक्शन दिया जाएगा। बीच में इसको बोला गया कि भाई एग्जाम होगा, एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होगा, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। बोला कि भाई जिस नोटिफिकेशन में जो चीजें लिखी गई है उसी के अनुकूल ही भर्ती प्रक्रिया ली जाएगी। तो फिर वैसे ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाया जा रहा है, आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा। बहुत जल्द आपका एग्जामिनेशन इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। इंटरव्यू के बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए करना क्या है, आपको आपको यह करना है कि इसका जो वेबसाइट है UP SSC.jv.in, इस पर जाकर अपना काम को आगे फॉरवर्ड करना है। कैसे करना है तो आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले क्या करना है कि आप गूगल क्रोम को खोल लीजिएगा, ठीक है। गूगल क्रोम को खोलने के बाद गूगल में UP SSC.jv.in ये सर्च कीजिएगा आप, ठीक है ना, गूगल में। तो ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाएगा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आपको आना है, और नीचे कहां आना है भाई, यहां पर आना है एग्जामिनेशन और इंटरव्यू पे, ठीक है। इस पे क्लिक करना है, इस पे क्या करना है, क्लिक करना है, ऐसे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर 3-4 ऑप्शन दिखाई देगा, और इसमें आपको करना है ये वाला डाउनलोड फॉर्म फॉर एलिजिबिलिटी चेकिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। मतलब नीचे से दूसरा नंबर, और इस पर भी फिर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, ठीक है ना। और यहां इस नए पेज पे पोस्ट वाइज डिटेल्स दिया गया, ठीक है ना। यहां जितने भी पोस्ट निकाले गए थे सारे की पोस्टों का यहां पर नाम लिखा गया, ठीक है। जिस पोस्ट में आप अप्लाई किए थे उस पोस्ट पे क्लिक करना है। मान लीजिए कि आपने फिटर में अप्लाई किया तो फिटर पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और इसमें पूरा डिटेल्स दिया रहेगा, और इस डिटेल्स के बिहाफ पे आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। आप देखिए ये डिटेल्स है, डिटेल्स में बताया गया है कि टोटल इसमें कैंडिडेट की संख्या कितना है, 9828 लोगों का इसमें नाम दिया गया है, और नाम के साथ साथ कुछ डिटेल्स में है। जैसे देखिए यहां पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। यहां पर नाम दिया कैंडिडेट का, फादर्स नेम दिया हुआ है, ठीक है ना, जेंडर दिया हुआ है, कैटेगरी दिया हुआ है, और सब कैटेगरी भी यहां पर दिया हुआ है, ठीक है ना। ग्रेड है, परसेंटेज कितना है, डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड जो डेट था लास्ट डेट है वो दिया हुआ है कि 25 तक आपको भेजना है, 25/10/23 तक भेजना है, 25 अक्टूबर तक भेज देना है आपको, ठीक है। तो ये डिटेल्स दिया गया है, ठीक है। अब इस डिटेल्स को देखने के बाद अगर आपका डिटेल्स मैच कर रहा है, मान लीजिए कि आपका नाम विनोद कुमार यादव है, ठीक है ना, अगर आपको मिल जाएगा विनोद कुमार यादव है, पिता का नाम है वीरेंद्र कुमार यादव, अगर मान लीजिए आपका हो गया कि यही मैं हूं, तो करना क्या है आपको, अपने नाम के सामने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस पर क्लिक कर देना है। इसे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज खुलेगा, क्योंकि देखो अभी ये घूम रहा है तो पूरी तरह से पेज रिफ्रेश नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए डेटा है इसमें 9828 डेटा है लोगों का नाम है, तो थोड़ा सा पेज रिफ्रेश होने में टाइम ले रहा है, ठीक है ना। जैसे पेज रिफ्रेश होगा, ये अभी आपको दिख रहा होगा जो कलर है इसका, दूसरा कलर दिख रहा है, बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा, ठीक है ना, ये हट जाएगा जो यहाँ पे दिख रहा है, हटेगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर पे, ठीक है। बात करना क्या है आपको, अपने नाम के सामने और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इस पे क्लिक कर देना है।
अब जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा और इस पेज पे आने के बाद आप देख सकते हैं ध्यान से यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखा रहा है ये वाला, ठीक है। और इसके बाद यहाँ आपको अपने डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, ठीक है। यहाँ जेंडर सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे इंटर वेरिफिकेशन कोड, यहाँ पे जो दिया हुआ इस वेरिफिकेशन कोड को डालेंगे और इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्म डाउनलोड होने के बाद आपको करना एक और काम, तो डाउनलोड करने के बाद आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुख्यालय अपने फॉर्म को भेजना होगा और फॉर्म भेजने के लिए जो एड्रेस दिया गया है यहाँ पे आप एड्रेस को समझ लीजिए, यहाँ पे एड्रेस है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ 226010। इस पते पे आपको 25 अक्टूबर तक शाम को 5 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए, या तो आप व्यक्तिगत रूप से खुद जाकर वहां जमा कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ व्यक्तिगत रूप से जा सकते हैं, अथवा स्पीड पोस्ट रजिस्टर डाक से आयोग के कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा आपको, ठीक है। अब इसमें भेजते समय यहां बताया है आपको करना क्या है कि जितने भी वांछित सूचनाएं भरकर विज्ञापित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता अभिमानी अर्हता एवं अनुभव से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेखों यथा अन्य तालिका प्रमाण पत्र डिप्लोमा उपाधि अनुभव प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र एवं क्षति आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र इत्यादि को स्व प्रमाणित छाया प्रति संकलन करके आपको भेजना है। देख लीजिए फॉर्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए होंगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा, खुद से उस पर सिग्नेचर कर दीजिएगा नीचे, और आपको जो फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसके साथ अटैच करके आपको भेजना होगा, ठीक है। जिसमें यहाँ पे डिटेल्स दिया है क्या क्या चाहिए उनको, अनिवार्य सचिन योग्यता, ठीक है ना, अधिमानी अर्हता अनुभव, ठीक है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको। अंग तालिका मतलब आपको मार्कशीट बोल रहा है, प्रमाण पत्र डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी मांगा जा रहा है, जाति प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है, अगर आपको आरक्षण लेना है तो ये तमाम चीजें आपको भेजना होगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही है, कोई डाउट हो कोई समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।